राम कृष्ण की प्यारी गैया सारे जग की माता है। राम कृष्ण की प्यारी गैया सारे जग। अशुद्ध वस्तु का आहार वे वह कभी मानव संस्कृति नहीं हो सकता है। फिर से सुने, मद्य मांस आदि अशुद्ध वस्तुओं का आहार मानव शरीर के साथ सबसे बड़ा पाप है, सबसे बड़ा अत्याचार है, क्योंकि मानव शरीर की संरचना अशुद्ध आहार के अनुरूप नहीं हुई है, शुद्ध सात्विक आहार के अनुरूप मानव शरीर की संरचना हुई है। और उस शुद्ध सात्विक आहार को देने वाली गाय, गो आधारित है, गो आधारित जो कृषि है वो भी सात्विक है, गो आधारित फल फूल भी सात्विक हैं। स्वामी जी, पुष्प में सुगंध होती कि नहीं? होती है, पर आजकल पुष्पों में भी खुशबू नहीं रह गई। यह पुष्प का गुण नहीं है, यह गुण है पृथ्वी का, क्योंकि गंधवती पृथ्वी, गंधवत्वम पृथिव्याह लक्षणम, धरती का लक्षण है। इस पुष्प ने गंध का आहरण धरती से किया, धरती में इतना विष डाल चुके हैं हम कि पुष्पों में सुगंध नहीं रहेगी। और तो और, फूलों की खेती करने वाले भी रासायनिक छिड़काव का प्रयोग करते हैं। एक जगह हम गए, गौशाला थी, साथ में ठाकुर जी तो रहते ही हैं, तो ठाकुर जी की सेवा के लिए पुष्प उतार के लाए। महाराज जी, थोड़े से देसी गुलाब दोना में रखे, पूरा कमरा गमगमा उठा। हमने कहा हम वृंदावन में रहते हैं, बिहारी जी में इतना फूलों का प्रयोग होता है, बड़े के बड़े हार गुलाब के फूल के ले आते हैं पर खुशबू नहीं आती, ये अभी ताजे ताजे 5-7 पुष्प दोना में रखे, पूरे कमरे में सुगंध गुलाब की भर गई, पूरे कमरे में बेले की खुशबू भर गई, क्या कारण है? तो वहां महाराज जी पूछा, तो उन्होंने बताया, महाराज जी हम बाहर की चीज का प्रयोग नहीं करते, ये गैया के गोबर का प्रयोग यहां करते हैं, उससे पुष्प में इतनी सुगंध। आप सोचिए, भगवान की सेवा पूजा के पुष्प भी गाय के गोबर के कारण दिव्य सुगंध से युक्त हो जाते हैं, फल फूल भी विषैले हो गए, अन्न भी विषैला हो गया। इसलिए जिसे हम सात्विक आहार मानकर आहार कर रहे हैं, शाकाहार मानकर, जिसे पवित्र मानकर हम आहार कर रहे हैं, वह आहार भी गो आधारित कृषि से उत्पादित नहीं है, अतएव वह आहार भी रजोगुणी और तमोगुणी आहार है, उसमें भी सात्विकता नहीं है। सात्विकता का पुंज है गाय, इसलिए गव्य पदार्थों के प्रयोग के बिना अन्न में फल फूल में सात्विकता नहीं आ सकती। अभी तो हम लोग नहीं समझ रहे हैं स्वामी जी, जब सारी धरती ऊसर बंजर हो जाएगी और फिर ये वैज्ञानिक चिल्लाएंगे कि अब इसको ठीक करने में कई साल लगेंगे, और कैसे ठीक होगा? बोले किसी रसायन से नहीं होगा, किसी दवाई से नहीं होगा। अब वेद लक्षणा देसी गाय के गोबर गोमूत्र का प्रयोग बहुत लंबे समय तक करना पड़ेगा, तब धरती की उर्वरा शक्ति पुनः वापस आएगी। हम आपसे पूछते हैं, जब जिस तेजी से गोवंश का संहार हो रहा है, गाय ही नहीं रहेगी, तब हमारे जीने का आधार क्या रहेगा? बिना जल के आप रह सकते हैं? बिना अन्न के आप रह सकते हैं? बिना आहार के आप रह सकते हैं क्या? इसलिए अभी भी समय है, भारत सरकार का पुनीत कर्तव्य है
कि अब संपूर्ण राष्ट्र के ईमानदारी से हित का चिंतन करते हुए बचे हुए गोवंश के वध पर तत्काल पूर्ण प्रतिबंध लगाए और यह कहना कि यह केंद्र सरकार के दायरे में नहीं है, यह केवल प्रांतों का विषय है, यह कहना यह भी एक प्रकार से छलावा ही है। महाराज जी, हम किसी का विरोध नहीं कर रहे हैं, लेकिन हम जो बात सही है, वास्तविक बात है, उसको हम निवेदन कर रहे हैं। क्या कानून बनाए बिना भी गोवंश की रक्षा के हित में केंद्र सरकार या प्रांतीय सरकारें कदम नहीं उठा सकती हैं क्या? पूरे देश में गो आधारित कृषि को प्रोत्साहन दे सरकार। अरे महाराज जी, केवल गाय का गोबर और गोमूत्र गवर्नमेंट खरीदना शुरू कर दे, फिर से गोपालकों के घर में गाय आ जाएगी। हम उसी किसान का कर्ज माफ करेंगे जो कृषक गो आधारित कृषि करेगा, फिर से किसान के घर में गाय आ जाएगी। और A2 श्रेणी का दूध भारतीय देसी गाय का है, A1 श्रेणी का दूध संकर प्रजाति की गाय का है, जिसमें प्रत्यक्ष विष है, भयंकर विषैले तत्व हैं। भारतीय देसी गाय का दूध, A2 श्रेणी का दूध, वह संपूर्ण प्रकार के भयंकर जहरों से मुक्ति दिलाने वाला है, असाध्य रोगों से छुटकारा दिलाने वाला है। क्या सरकार देसी गोवंश को बचाकर उन क्षेत्रों के गोवंश के दूध दही घी की विशिष्ट गुणवत्ता का वैज्ञानिक परीक्षण करके A2 श्रेणी का दूध बना करके, दही बना करके, घी बना करके, उस दूध का पाउडर बना करके क्या पूरी दुनिया को निर्यात नहीं कर सकती? हमारा विश्वास है आज भी भारत सरकार, सभी प्रांतीय सरकारें A2 श्रेणी गाय के दूध दही घृत आदि का उत्तम उपयोग करें, निर्यात करें, तो हम विश्वास रखते हैं जगन्नाथ भगवान की कृपा से कि आज इन सरकारों को गोमांस विक्रय से जितना लाभ हो रहा है, उससे 10 गुना अधिक लाभ गव्य पदार्थों के निर्यात से होगा, इस देश में होगा और विदेश बाहर के लोगों को होगा। राम कृष्ण की प्यारी गैया सारे जग की माता है, राम कृष्ण की प्यारी।